हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। इसके बिना पूरी नहीं आपकी तैयारी, टेस्ट सीरीज फॉर नीट एंड जी मेन्स 2024 स्टार्टिंग फ्रॉम 17 सितंबर, अपराजिता विद्याकुंज, प्रोफेसर कॉलोनी, दिघी वेस्ट, दरभंगा। फॉर डिटेल्स कॉल और कॉन्टैक्ट ऑफिस। शहर दरभंगा से थोड़ी ही दूर पर लीजिए आउटिंग का मजा, स्पार्कीज रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल, स्वीट्स एंड बेकरी विद किड्स प्लेटोरियम, सीसो चौक से पहले, मब्बी कमतौल रोड, दरभंगा। डायबिटीज कंट्रोल अब आपके हाथ में, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने, रामगंज, दरभंगा, बेस्ट डायबिटिक सेंटर इन बिहार। सारी हाउस दरभंगा, अपनी शादी को और भी यादगार बनाइए हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन के साथ। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, गाउन, कुर्ती, मेंस और किड्स वेयर के आकर्षक कलेक्शन आपके बजट में। आज ही शॉपिंग करें लहरिया सराय दरभंगा। दरभंगा के सिंहवाड़ा के युवा व्यवसायी सौरभ झा हत्याकांड का बड़ा खुलासा, महज हत्या के 72 घंटे में पुलिस ने पर्दाफाश किया पूरे मामले का। मात्र 3,300 रुपए के लिए हुई युवा व्यवसायी सौरभ की हत्या, पुलिस ने हत्यारोपी ऋषिकेश को किया गिरफ्तार, सिटी एसपी सागर कुमार झा ने किया पूरे मामले का खुलासा। सिंहवाड़ा के चर्चित युवा व्यवसायी सौरभ कुमार झा हत्याकांड का दरभंगा पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। हत्या के महज 72 घंटे के भीतर पुलिस की पूरी टीम ने मामले का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र में हुई युवा व्यवसायी सौरभ झा की हत्या का खुलासा मात्र 72 घंटे में पुलिस ने किया है। इस हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा हत्या में उपयोग किया गया धारदार दबिया भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि यह हत्या मात्र 3,300 रुपये के लेन देन में की गई है। पुलिस ने युवा व्यवसायी सौरभ झा की हत्या के आरोपी ऋषिकेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। जो खुलासा किया है पुलिस ने, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मृतक ने मात्र अपने दिए 3,300 रुपए मांगे तो अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। 13 तारीख को सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के रामपुरा स्थित आम के बगीचे में सौरभ कुमार की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मृतक के पिता कृष्णकांत झा की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें 6 लोगों पर हत्या की आशंका जताई गई थी। पुलिस तफ्तीश में ऋषिकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सौरभ कुमार का 3,300 रुपया ऋषिकेश के पास बकाया था, जिसे मृतक सौरभ कुमार काफी दिनों से वापस मांग रहा था। घटना की रात भी इसी पैसे को लेकर दोनों के बीच बात बढ़ गई और विवाद बढ़ने के बाद धारदार दबिया से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गई। 13 सितंबर को सुबह में एक लाश मिलने की सूचना जो है सिंहवाड़ा थाना को प्राप्त हुई थी, तो सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष अपने थाना के ऑफिसर एवं बल के साथ वहां पहुंचे थे और सबका पहचान कराए। तो सबका पहचान सौरभ कुमार कृष्णकांत झा के पुत्र के रूप में, वार्ड नंबर 7 के निवासी के रूप में हुआ। इसके पश्चात हमारे स्तर से भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, SDPO सदर भी वहां पहुंचे थे। इसके बाद FIR दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमारे नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार, इसके अलावा थाना अध्यक्ष सिंहवाड़ा मुकेश कुमार मंडल, सब इंस्पेक्टर विक्रांत कुमार, सार्जेंट हैं सतीश यादव एवं तकनीकी शाखा के सिपाही राम बाबू राय, CIT के टीम सदस्य, DIU के संपूर्ण टीम के साथ मिलकर के तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से इस घटना का संपूर्ण रूप से जो है उद्भेदन कर लिया गया है 72 घंटा के अंदर। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं ऋषिकेश कुमार पिता राजाराम शाह, इनका गिरफ्तारी जो है हम लोग सुनिश्चित किए हैं और तलाशी के क्रम में इनके निशानदेही पर घटना कारित करने वाला जो धारदार हथियार है उसको भी बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुआ है, अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान अभी जारी है। घटना का जो कारण है वह यह है कि वादी का 3,300 रुपये अभियुक्त के पास बकाया था, जिसका वादी के लड़का यानी मृतक के मांगने के लिए अभियुक्त के पास गया था। तो उसी क्रम में जो है इनके द्वारा एक योजना बना करके जो है धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर जो है हत्या को कारित किया गया था।